तो गाइस मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हो रेसल इन दी फैक्ट्स। तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई हो चुकी है सोल्ड आउट। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी की कल भाई हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली थी, जहां की भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल्स और साथ ही यूएफसी के ऑफिशियल्स आते हुए नजर आए थे इस कॉन्फ्रेंस में। और साथ ही साथ भाई विंस मैकमैन ने अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई के 51% शेयर यानी कि 51% शेयर भाई यूएफसी की पेरेंट कंपनी एंडेवर को बेच चुके हैं। और साथ ही साथ अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी मर्ज हो चुकी है और इसका नाम सामने निकल के आ रहा है भाई TKO, यानी कि भाई इसका मतलब जो मर्ज हुआ है डब्ल्यूडब्ल्यूई और यूएफसी का। तो इन दोनों को जब मतलब स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में जब भी इनको कॉल किया जाएगा तो भाई TKO करके बुलाया जाएगा, ना कि यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई। तो इन दोनों का मतलब मर्ज होकर ये नाम बना है। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नाम चेंज हो जाएगा, बट भाई ऐसा नहीं है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का नाम चेंज नहीं हो। साथ ही साथ भाई ट्रिपल एच की बात की जाए तो भाई ट्रिपल एच भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भाई पोजीशन से उनको हटा दिया जाएगा, बट भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो भाई ट्रिपल एच क्रिएटिव हेड है इस समय, तो भाई उस चीज़ का काम तो ट्रिपल एच अभी भी मतलब करेंगे ही। तो आगे आने वाले टाइम में भाई ट्रिपल एच का क्या होगा मतलब कि वो तो देखने वाली बात रहेगी। बाकी यही ऑफिशियल मतलब न्यूज़ है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई बिक चुकी है एंडेवर की कंपनी को और साथ ही साथ भाई मर्ज हो चुकी है यूएफसी के साथ, जैसे कि हम कहेंगे अब TKO। तो भाई देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि अब आने वाले फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। और साथ ही साथ भाई अब विंस मैकमैन और भाई मतलब मैकमैन फैमिली का अब कोई भी मतलब रोल नहीं रहने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जैसे कि हम काफ़ी सालों से देखते हुए आ रहे थे कि मतलब कि विंस मैकमैन काफ़ी मतलब कंट्रोल में थे। तो अब भाई वो चीज़ हमें देखने को बिल्कुल से भी नहीं मिलेगी। और भाई मतलब ट्रिपल एच तो भाई उनकी तो बात अलग है, मतलब अभी तो वो क्रिएटिव हेड हैं ही, बाकी आने वाले टाइम में देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ट्रिपल एच भाई अपनी पोजीशन से हट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हमें भाई फ्यूचर में पता चलेंगी। बाकी इस वाली वीडियो के लिए बस इतना कुछ था। आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग खुश हो डब्ल्यूडब्ल्यूई बिकने से या फिर दुखी हो, कमेंट करके सब लोग बताना। बाकी अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या क्या चेंजेस हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में करते हुए नजर आएगी एंडेवर। बाकी इस वाली वीडियो के लिए तो यही कुछ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी ही डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड अपडेट के लिए। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देना। बाकी चैनल को जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।